अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। एक फ्रॉग का लाइफ साइकिल। फ्रॉग के लाइफ साइकिल की 5 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट एग, सेकंड टैडपोल, थर्ड वन इज टैडपोल विद लेग्स, फोर्थ इज फ्रॉगलेट एंड लास्ट वन इज अडल्ट फ्रॉग। एग, द फीमेल फ्रॉग लेज द एग्स इन वाटर। फीमेल फ्रॉग वाटर के अंदर एग ले करती है, मीन अंडे देती है। सेकंड स्टेज टैडपोल, द एग हैच इनटू टैडपोल्स। एग से फिर टैडपोल्स निकलते हैं जब वो हैच होते हैं। टैडपोल विद लेग्स, दिस वन। इन दिस स्टेज द टैडपोल ग्रोज लेग्स। इस स्टेज के अंदर टैडपोल क्या करता है, लेग्स ग्रो करता है। फर्स्ट एट द बैक एंड लेटर एट द फ्रंट। पहले बैक की एग्स लेग्स ग्रो करती है और फिर फ्रंट वाली। एंड हैज अ लॉन्गर बॉडी, हैज अ टेल। इसकी बॉडी लॉन्ग होती है और इसकी बॉडी के पीछे क्या होती है, टेल। एंड अ मोर डिस्टिंक्ट हेड, और एक इसका हेड भी होता है। इट ब्रीथ्स विद गिल्स बिकॉज इट लिव्स इन वाटर। और ये टैडपोल जिसके लेग्स भी हैं, ये गिल्स के थ्रू ब्रीथ करता है, मीन सांस लेता है, क्योंकि ये वाटर में रहता है। फ्रॉगलेट, इन दिस स्टेज द फ्रॉगलेट ब्रीथ्स विद लंग्स। फ्रॉगलेट अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है। एंड स्टिल हैज सम ऑफ इट्स टेल, लेकिन अभी भी इसके पास टेल होती है। Like this. Adult frog breathes with lungs and has no tail. Adult frog सांस लेता है lungs के through और इसकी tail नहीं होती। This one, ये adult frog है, इसकी tail नहीं होती। और ये भी सांस किसके through लेता है, lungs के through। As you can see above, a frog changes its appearance and body structure during the different stages of its life cycle. जैसा कि आपने ऊपर देखा कि फ्रॉग अपनी अपेरेंस, अपनी शक्लो सूरत चेंज करता है अपनी लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस के दौरान। बिगेनिंग एज एन एग एंड एंडिंग अप एज एन अडल्ट फ्रॉग। और फ्रॉग का लाइफ साइकिल एग से शुरू होता है और ख़त्म कहाँ होता है, अडल्ट फ्रॉग पर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामोरफोसिस। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटामोरफोसिस। सो लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग के दौरान फ्रॉग की अपनी अपेरेंस चेंज करना, और ये साइकिल एग से अडल्ट फ्रॉग तक जाता है। ये जो एग से अडल्ट तक जो डिफरेंट चेंजेस आ रही हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। अमेजिंग साइंटिफिक फैक्ट, सम एनिमल्स डू स्ट्रेंज थिंग्स टू अट्रैक्ट अ मेट। कुछ एनिमल्स स्ट्रेंज थिंग्स करते हैं। स्ट्रेंज थिंग्स का मतलब होता है अजीब काम करते हैं, टू अट्रैक्ट अ मेट, अपने मैट को अट्रैक्ट करने के लिए। मैट मीन साथी। मेल बावर बर्ड्स बिल्ड अ हट स्ट्रक्चर विद ट्विग्स एंड देन डेकोरेट इट विद शाइनी ऑब्जेक्ट्स सच एज ग्लास, प्लास्टिक, फ्लावर्स एंड फेदर्स। सो जैसे कि मेल बावर बर्ड एक हट की तरह की स्ट्रक्चर बनाता है, उसे टहनियाँ लेके, दरख्तों की शाखें लेकर, और फिर उसे डेकोरेट करता है, उसे सजा शाइनी ऑब्जेक्ट के साथ, जैसा कि ग्लास, प्लास्टिक, फ्लावर्स, परिंदे के फैदर्स वगैरह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।